तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये टेबल कैसे बना? ये एक्चुअली DIY टेबल है। मैंने ये प्लेटफॉर्म जो ऊपर का दिखा दिया था उसे इस तरीके से वुड फिलर से फिल कर लिया। ये अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाता है। उसके बाद में इसके लेग्स थे जो बनवा के लिए मैंने लोकल मार्केट से, कलकत्ता से। ये वाइट वॉश के बाद में मैंने इस तरीके से कलरफुल बनाना था तो अलग अलग कलर बना लिए। ये लगभग ऐसा लगा लगता है। आप देखिए ये चारों जब कलर हो गए, सफ़ेद के ऊपर कलर चढ़ाने से कलर काफ़ी निखर के आता है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने कुछ बनवाई और चारों बनने के बाद कुछ इस तरीके से खूबसूरत देखिए। मुझे बहुत पसंद आया, मुझे कलरफुली चाहिए था क्योंकि ये लेग्स ही दिखाई देते हैं। तो ये जो लेग्स मैंने बनाए, जो पेंट किए उन्हें और वो टॉप को, इनको इंस्टॉल कर लिया एक कारपेंटर की मदद से। और उसके बाद में ये कुछ ऐसे नज़र आता है। इसकी डिटेल्स मैंने बनाते ही रिकॉर्ड कर लिए थे, तो आसान है वैसे। ये है मोहगनी के लकड़ी के बनाए हुए थे, जो ऐसे ही रॉ लेके आई थी कलकत्ता से मैं, और फिर मैंने इनको पेंट करके फिर ये डिज़ाइन बनाई थी अलग। ये देखिए, और इसका मैंने एक छोटा स्टडी टेबल बनाया है। ये DIY मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, मतलब 6 महीने। इसके बीच में ये हुआ कि हम कलकत्ता से, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र बॉम्बे में हो गई, और फिर यहाँ आने के बाद ये जो ऊपर का, ये अलग से कलकत्ता से ही मैंने बनवा लिया था। हमारे एक फ्रेंड हैं जिनकी फैक्ट्री है जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल पैकिंग के लिए ये इंडस्ट्रियल वुड आता है। पैलेट्स भी होते हैं और इस तरीके का वुड भी होता है। तो मैंने इस वुड को लिया, तो ये काफ़ी अरसे से ये बारिश में पड़ा हुआ था, तो जो सड़ा नहीं, इसकी वजह से मैं ये समझ गई थी कि ये काफ़ी अरसे तक चलेगा। मगर मुझे कुछ इसी तरीके से रफ़ टेबल ही बना हुआ चाहिए था। तो अभी ये इतना हो चुका है। और पीछे की साइड में ये जो मैं पेंटिंग कर रही हूँ, मतलब ये वॉश है, ये इसलिए कर रही हूँ कि अंदर के साइड में जो कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं तो वाइट कलर से वो दूर रहते हैं। और दूसरा जो पेंट होता है वाइट में, तो उसमें उसे ज़्यादातर इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यही इसके पीछे का ये है फाइनल प्रोडक्ट का, मैं आपको इसको उल्टा करने के बाद बता दूंगी। अभी मेरी कुछ पेंटिंग्स चल रही हैं, मतलब इस पर वाइट वॉश करने का काम चल रहा है मेरा। तो ये ख़त्म करते करते मेरे अचानक ध्यान में आया कि मैं क्यों नहीं आपको भी बता दूं, क्योंकि हमारे पास ना गांव खेड़ों में या इधर उधर काफ़ी सारी ऐसी लकड़ी पड़ी हुई होती है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ इसे पेंटिंग की तरह के से नहीं देख रही हूँ क्योंकि ये बैक साइड का हिस्सा होगा, और सिर्फ इस वुड को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पर कुछ दीमक जैसी चीज़ें नहीं लग जाएं, यही इसका काम है। तो ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा पीछे के साइड से वाइट वॉश हो चुका है। ये फिलहाल गीला है आप देखें तो, ये देखिए, मगर ये सूखने के बाद अच्छा ब्राइट वाइट दिखेगा, जो कि ये पीछे का हिस्सा है। और अब मैं इसको उल्टा करती हूँ, ये भी पीछे का हिस्सा है और ये कुछ ऐसा है। अभी देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वुड फिलर है। ये आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाता है। मगर मेरे से एक गलती ये हुई थी कि जब मैं इसको कलकत्ता से बम्बई ला रही थी उसी समय मैंने इस वुड फिलर को फिल कर दिया था। इसके कारण ये हुआ कि हार्श जो ट्रैवल हुआ इसका, तो उसके कारण यहाँ से और नीचे से झड़ गया। ये मेरे पास बचा हुआ है, मैं लगा दूंगी इसको बाद में। मगर इसके ऊपर का हिस्सा मुझे सॉफ्ट कपड़े के साथ रखना है क्योंकि मेरा लैपटॉप इस पे आएगा। तो एक लुक देखते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है, और आप भी बताइएगा मुझे कि कैसे लग रहा है आपको। ये वेस्ट वुड से बनाया हुआ है ये उसका प्लेटफॉर्म, ये वाला। तो देखिए ये कुछ अभी इस तरीके से नज़र आ रहा है।
मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से 5 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं इस पे एक मोटा वाला कपड़ा डालने वाली हूँ ताकि मेरा डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो बेस है वो ख़राब नहीं हो, और मैंने इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं की है। देखिए, ये विंडो की एक्चुअली इसकी यही जगह है जहाँ पर मैं हमेशा इसे रखना चाहूँगी। तो इसका लगभग फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। आप जरा देखें तो मैंने ये बीच का हिस्सा छोड़ा है क्योंकि यहाँ मुझे डेस्कटॉप रखना है, और खुली हवा, खिड़कियाँ खोल दो और फिर जो भी काम करना है मैं यहाँ पर करूँगी। मैंने ये सोचा है कि अभी यहाँ पर बैठ के कम से कम दिमाग में अच्छी स्टोरीज आएंगी, और मेरे चैनल को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ अभी स्टोरी टेलिंग में, तो नया किस तरीके से उसका लुक होगा ये आपके सामने आ जाएगा। आपको ये कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए, ये सारा काम मैंने किया है, और कुछ दिनों के बाद ये जो सफ़ेद हिस्सा है यहाँ पर मैं कुछ कलरफुल पेंटिंग करने वाली हूँ, मगर वो मूड पे है। जब करने की इच्छा होगी, क्रिएटिव वर्क काम करने की इच्छा जब भी लगेगी तब मैं कर दूँगी। इस पर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ बनाना शुरू कर दिया है, तो ये है फाइनल लुक।